बेबिका और पूजा भट्ट ने सोशल मीडिया से किया एक दूसरे को अनफॉलो। फैंस कर रहे हैं दोनों के अनफॉलो करने पर बड़ा रिएक्ट। वेल, क्या है पूरी खबर आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में पूजा भट्ट और बेबिका धुर्वे को देखा गया था। इस शो में दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है शो खत्म होने के बाद भी। शो खत्म होने के बाद भी बेबिका और पूजा भट्ट को कई मौकों पर स्पॉट किया गया, एक दूसरे से बात करते देखा गया और मिलते जुलते भी देखा गया। एक दूसरे को तो वो सपोर्ट करते ही थे, साथ ही साथ उन दोनों को पार्टी करते भी देखा गया। अब ऐसे में हर कोई यही सोच रहा था कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी अटूट है, काफ़ी प्योर बॉन्ड है, पर अब दोनों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे को अनफॉलो कर डाला है। जी हाँ, जब बेबिका और पूजा भट्ट के प्रोफाइल को देखा गया तो वहाँ ऐसा लग रहा है दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है। हाल ही में बेबिका ने जब मीडिया से इंटरैक्ट किया था उस वक्त भी उन्होंने पूजा भट्ट की जमकर तारीफें की थी और पूजा भट्ट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहती नजर आई थी, पर अब बेबिका और पूजा भट्ट ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो क्यों किया, इसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर ही होगी। वहीं फैंस अब इस पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉपुलैरिटी के लिए शायद दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया कि मनीषा और एल्विश की तरह इन्हें भी खूब पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोग इनके ऊपर बात करेंगे, पर शायद किसी को इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं कई लोग का कहना है कि ये तो होना ही था, एक समय आकर इनका ऐसे झगड़ा होना तो तय ही था। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के कई जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया, जैसे एल्विश और मनीषा ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो किया और काफ़ी बवाल भी हुआ उन दोनों के एक दूसरे के अनफॉलो करने पर, जहां मनीषा ने एक पूरा व्लॉग बनाकर अपने फैंस को बताया कि आखिर उन्होंने एल्विश को अनफॉलो क्यों किया। तो वहीं एल्विश ने मनीषा को इस पूरे मुद्दे के लिए रोस्ट भी किया और ये भी करते दिखे कि मनीषा ने अपनी दोस्ती नहीं दिखाई और ना समझी और बचकानी हरकतों की वजह से उन्होंने एल्विश को अनफॉलो कर दिया। फिलहाल तो इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी है वो चल ही रही है और फैंस एक दूसरे को लेकर वाद विवाद करते नज़र आ रहे हैं। वहीं अब फलक और अविनाश ने भी एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया था और बाद में उन्होंने ये आकर कहा कि ये एक ग्लिच की वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है, उन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया है। फिलहाल तो अब बेबिका और पूजा भट्ट ने एक दूसरे को अनफॉलो क्यों किया है इसका पता भी जल्द ही चल जाएगा। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर और आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती थी, शो पर हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।